दोस्तों, हमें बहुत खुशी हो रही है और इसी खुशियों के साथ इस बड़े और यादगार दिन की शुरुआत विश्व के सबसे अहम अनुभव से होने जा रही है। हमारा यह खुशियों भरा माहौल बताएगा कि जिंदगी में इन अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए हमने क्या कुछ हासिल किया और जिंदगी के किस मोड़ पर आप पहुँचे। जिंदगी में सब कुछ हासिल करते हुए अनुभव लेने के लिए बहुत कुछ है और ऐसी ही रंग बिरंगी जिंदगी एक आध्यात्मिक अनुभव की ओर मुड़ रही है, क्योंकि अध्यात्म के बिना जिंदगी की कोई मायने ही नहीं है। ऐसे ही हम एक खुशियों से भरे सफर के लिए निकल पड़े हैं और यहाँ हमने ऐसे एक बेहतरीन स्थापत्य का नजारा देखा। इन्हीं खूबसूरत वादियों से एक और रंग रूप देने का प्रयास करते हुए विश्व शांति प्रस्थापित करने की पहल कर रहे हैं। अब हम सब मिलकर इसी कार्यक्रम के सरगम के तार छेड़कर काल्पनिक जिंदगी का आधार ही बुद्धिमान जीवों की बुद्धिमत्ता ही है, जिन्हें सामने वालों से आम लोगों की विचार शक्ति का पता चल जाता है। ऐसे बहुत से लोगों को उनके बचपन से ही तरह तरह के सवाल उनके मन में होते हैं, जिनका जवाब उनकी जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। जैसे कि इस जीव सृष्टि की निर्मिति किसने की? अगर सृष्टि का निर्माता कोई भगवान है तो वो कहाँ है? इस सृष्टि को निर्माण करने के पीछे क्या मकसद है? ऐसे हर एक के जिंदगी में बहुत से सवाल होते हैं और ऐसे सवालों में ही जिंदगी की सच्चाई छुपी है और इसी से हमारे धरती पर के अस्तित्व की पहचान होती है। और इस तरह की सच्चाई को जाने बिना और इसी के चलते आपका जीवन कभी भी आनंदमय और खुशियों से भरा नहीं हो सकता। अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहे हैं, तो कम से कम हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही होगा, क्योंकि इसी तरह से हजारों सालों से हम सब पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं दुखों के अंधकार में जिंदगी जी रहे हैं और इसे अब खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि पिछले 100 साल में ही हम सब तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हैं। हो सकता है कि अगले 100 साल में 4 या 5 विश्व युद्ध लड़े जाएंगे और इस लड़ाई के बाद इस आधुनिक शस्त्रों वाली दुनिया में कुछ जिंदगियां बचेंगी भी या नहीं, यह कोई नहीं जानता। हमारे इस दुनिया के कई देशों ने अपने अपने नए संशोधन और तकनीक विकसित करके उनके देशों में आधुनिकता लाई है और इसके इस्तेमाल से हम अपनी जिंदगी में कुछ हद तक आराम ले आए हैं, लेकिन हम सब इनका ज्यादा दिनों तक आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमेशा ही युद्ध का खतरा मंडरा रहेगा और यह तकनीक हमारा ही सर्वनाश करती रहेगी और इसके लिए हम में से किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम सब सोच सकते हैं कि इस तरह की जिंदगी भगवान ने हमें कतई दी नहीं है, क्योंकि कुदरत ने इंसान के शरीर को जो ऊर्जा का संस्करण दिया है, उसका स्पंदन सृष्टि के दूसरे किसी भी जीवों से कई ज्यादा है, जिसका उपयोग हमें अपनी जिंदगी सुधारने में करना चाहिए, न कि विध्वंसक के चलते इंसानों की जिंदगी हजारों सालों से सिर्फ तबाही कर रही है, जो हमें सृष्टि के अंत तक का सफर कराएगी। लेकिन जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्होंने सृष्टि का निर्माण नष्ट होने के लिए नहीं किया है और इसे बचाने की जिम्मेदारी दूसरे जीवों से ज्यादा इंसानों की है। इसीलिए हमें विश्व शांति प्रस्थापित करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि तीसरा होने वाला विश्व युद्ध हर एक जिंदगी में अंधेरा लाने वाला होगा। इसी के चलते पूरी समझदारी के साथ हम सबको एक परिवार की तरह इकट्ठा होकर इस आंदोलन को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए परम पूज्य श्रमण बुद्ध जी ने सभी बुद्धिजीवों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया है और आज सभी को इसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करवा के सेमिनार में उपस्थित रहना है, जहां इन बातों की चर्चा करने के लिए कोई भी शिक्षित, बुद्धिमान, आध्यात्मिकता में पारंगत और वैज्ञानिक या फिर जिसने गॉड पार्टिकल के लिए संशोधन किया है, ऐसे वैज्ञानिकों के साथ
कुछ ज्यादा विवेचन हो सकता है, क्योंकि यह एक इंसान की जिंदगी का बहुत ही अहम पहलू है और जिसके जवाब पाकर उसी के मुताबिक उस ज्ञान के निरंतर उपयोग से अपनी, अपने परिवार, समाज या देश या फिर पूरे विश्व में इंसान की जिंदगी में उन्नति जरूर होगी, क्योंकि हमारा जीवन यापन करने का तरीका इन्हीं जवाबों में छिपा है, जिसके विपरीत परिणाम से ही हम सब की जिंदगी बुरी तरह से बिखर चुकी है और हम में से कोई भी इसको संवारने में नाकामयाब है। और इसीलिए इस आंदोलन के जरिए एक अहम कोशिश है और आप सब की यह जिम्मेदारी है कि यह संस्करण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, मित्र परिवार, विश्व भर में किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर करने से ही हमारा यह विश्वव्यापी आंदोलन कामयाब हो सकता है। आप चाहे किसी भी देश या ग्रुप से हो, सेमिनार में उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि आप सब महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति ही सेमिनार के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। यही एक ऐसा मंच है जहां हम सब की जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदल सकता है, जहां बहुत से शिक्षित लोगों के, जिनके जिंदगी के मायने अलग तरह के हैं, ऐसे लोगों को आमंत्रित करके उपस्थिति बढ़ाने का मतलब समस्त इंसानियत को उसकी ऊंचाई तक पहुंचाना है, जिससे हर एक इंसान अपनी जिंदगी कुदरत के नियमों के अनुसार जीने के लिए बाध्य होकर अपने आप को बहुत ही सहज महसूस करेगा। और यह एक हम सब की जिंदगी की बहुत ही चैलेंजिंग और महत्वपूर्ण पहल होगी। यहाँ हम सब के साथ परम पूज्य श्रमण बुद्ध जी मंच साझा करेंगे और आपका हमें अलग से परिचय कराने की जरूरत नहीं है। आप यह बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्तिमत्व है, किसी भी इंसानों के विचारों से ऊपर की उच्चतम और भविष्य के अनुकूल विचार रखने वाले अलग किस्म के एक सामान्य वर्ग निहाय व्यक्तिमत्व है। आपने हमारे समाज के, देश के और पूरे विश्व को एक गर्व सा महसूस कराया है और इस वक्त सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व होने के साथ साथ आपका प्रोफेशनल और करियर के अलावा आप अपने 8-9 साल की उम्र से ही ध्यान धारणा करते आए हैं। 50 साल की उम्र में प्रोफेशन छोड़ने के बाद 6 साल तक पूरी तरह से ध्यान करते हुए 1 साल कालुंद्रा नदी के किनारे, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नेरे गांव में है, वहां जब आप अपने 6 महीने तक समाधि निर्वाण की स्थिति में ध्यान करने के बाद बिहार राज्य के बोधि गया में पहुंचे, बोधि वृक्ष के नीचे 6 हफ्तों का ध्यान करने के बाद आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन दिवस के अवसर पर वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह 6:27 के समय पर ज्ञान प्राप्ति हुई। आपको कुदरत ने बुद्धत्व प्रदान किया। उसके बाद और 2 हफ्तों तक उसी जगह ध्यान करते हुए उपरोक्ष ज्ञान को फिर से उजागर करते हुए आप हमसे खुद अपना प्यार, खुशियाँ और ज्ञान की धरोहर को शेयर करना चाहते हैं। और यही ज्ञान ही हमारे लिए एक आर्य सत्य होगा। ऐसे महान व्यक्तिमत्व का जन्म भगवान गौतम बुद्ध के जन्म के 2525 साल के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण शहर में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर 1961 साल में 9वें महीने के 9 तारीख को सुबह 9:09 पर हुआ है और बाद में रत्नकांत के नाम से नामकरण किया गया। आपका बचपन और शिक्षा महाराष्ट्र के ही पुणे शहर में हुई है। आप व्यवसाय से इंजीनियर और समाज सेवी रहे हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा करते हुए कई संस्थाओं या फिर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत समस्या हो, जी जान लगा के समस्या का हल निकालना पसंद करते हैं और आपके प्रोफेशनल करियर में उच्च पदस्थ मैनेजमेंट स्टाफ से लेकर एक सामान्य मजदूर के साथ काम करने का मौका मिला, जहां बड़ी से बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों में
मैनेजमेंट स्टाफ का हिस्सा बनकर जहां आपको स्टाफ या वर्कर्स के काम करने का तरीका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होने से स्टाफ और वर्कर्स के दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से ना करने से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए उनकी काम करने की क्षमता कम होने से डिप्रेशन में जाने की संभावना बढ़ जाती है और इसी तरह चलते रहने से ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वह खुद अपनी नकारात्मक भावनाओं से घिरे रहने से उस कार्य को अंजाम देने से चुकते हैं। हमारे चारों तरफ किसी भी प्रकार की सकारात्मकता ना होने से हम निष्पक्ष आधुनिकता की ओर नहीं बढ़ सकते। आपको इन्हीं विचारों के चलते इन चीजों को समझने की कोशिश करते हुए जिंदगी की कई रातें बिना नींद के तड़पते रहने से आपकी जिंदगी में भूचाल सा आने लगा और यही स्थिति आपको ज्ञान प्राप्ति की ओर ले गई। क्योंकि इस दुनिया में इंसान में मजबूत भावनाओं से बड़ी और कोई चीज नहीं है, और यह सब इस भारत के इतिहास को पलट कर रख देने वाली घटना है। परम पूज्य श्रवण बुद्ध जी अपना यही ज्ञान दुनिया के हर कोने तक, हर समाज में और हर एक इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसी ज्ञान प्राप्ति से आपकी अपनी और परिवार वालों की जिंदगी में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता और शांति ला सकेंगे, जिससे आजकल की सामाजिक समस्याएं जैसे युद्ध, लड़ाई, आतंकवाद, नक्सलवाद, हिंसाचार, मानवता के प्रति क्रूरता, महिलाओं का उत्पीड़न, ड्रग्स का इस्तेमाल और सभी समाज की बुराइयां खत्म हो जाएंगी। तो हमें इस समाज की ओर अपने जीवन की अच्छाइयों को समझते हुए इस वैश्विक आंदोलन को आगे ले जाने के लिए आप सबका साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस आंदोलन को विश्व भर के व्हाट्सएप ग्रुप, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करके इस आंदोलन का सभी को एक हिस्सा बनना है, और आप सबको अपना नाम मुफ्त में रजिस्टर करने के लिए मैसेज के जरिए नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, और आपको अपने रजिस्ट्रेशन की तारीख और सेमिनार की जगह के डिटेल्स एक महीने के अंदर इन्फॉर्म किए जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं और आशा करते हैं कि सेमिनार में हमारी मुलाकात जरूर होगी। दोस्तों, मैं कामना करता हूं आप सब अच्छे और सेहतमंद रहें। मुझे अपने जीवन में कई लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। इनमें कई लोग उच्च पदस्थ मैनेजमेंट का स्टाफ थे या फिर सबसे नीचे कुछ सामान्य मजदूर थे। मैं नहीं जानता आप कितने सकारात्मक हैं। कई बार हमारी ही जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती हैं जहां हम अपने आप को पूरी तरह से असहाय महसूस करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप मुझे किस नज़रिए से देखेंगे जब मैं आपका व्यक्तिमत्व और आपकी ज़िंदगी के तरीकों को आपके सामने रखूंगा। तब आप इसी दुख से शांति से बैठना पसंद करोगे या फिर आपके होने वाले नुकसान के बारे में सोचते रहोगे, या फिर आप इन सबसे ऊपर उठना पसंद करोगे। यही विचार आपके जीवन की एक खूबसूरत देन है, और यही पर ना रुकते हुए मैं आपको एक सुंदर सी भेंट देना चाहता हूँ जो आपको अपने आंतरिक शक्ति को बलवान बना देगी। यह भेंट आपको अपने जीवन में ऊपर उठने में मदद करेगी, और इस चीज़ के बारे में आपको कभी पता ही नहीं था। अगर आप सद्भावना से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, धीरे धीरे आपके मन से उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि आप उसी चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। यही सद्भावना एक उच्च कोटि के ज्ञान का प्रतीक है। समझदारी इसी में है कि आप अपने दिल में ऐसी जगह ढूंढें जिसे आप खुद जानते हैं। समझदारी इसी में है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशी को महसूस करें। समझदारी इसी में है कि आप अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद लें और आप अपने सपनों को
वास्तविकता में बदलते देखें। इसी तरह से आप अपने लोगों का भी ख्याल रखें। सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में हिस्सेदार बनकर जरूरतमंदों की पूरी तरह से मदद करें।